नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों बिल्कुल अब लग जाइए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी संदर्भ में आपको हम लोगों ने एक पापअप वीडियो जो कि ग्रामीण परिवेश का है 2.5 घंटे का वो प्रोवाइड कर दिया है। और इसी संदर्भ में हम लोग हिंदी की क्लासेस आज से चालू करेंगे। इस हिंदी की क्लासेस में हम लोग विधिवत तरीके से हिंदी को पढ़ेंगे, जिसमें आपको वीडियो 2018 की जो परीक्षा प्रस्तावित है इसके साथ ही साथ में जो लेखपाल 2022 में होना है ये दोनों पेपर के अकॉर्डिंग हिंदी इसमें पढ़ाई जाएगी। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं ध्वनियों से। जैसे आप जानते हैं कि वर्णमाला आपके लेखपाल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग सुनते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्वरों की बात की गई है। तो स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी दूसरे की सहायता के बिना बोले जाते हैं, ठीक है। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आप लोग एक बात ध्यान देंगे, टोटल जो वर्णमाला में पढ़ते हैं 52 आपके अक्षर होते हैं या 52 वर्ण होते हैं। देखिए 11-2 इस तरह लिखा हुआ है। तो ये PDF आपको मिल जाएगी। यदि आप PDF को चाहते हैं तो आप हमको 9044861926 पर मैसेज कर सकते हैं। जिन्होंने भी ये PDF बनाई है उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, ठीक है। तो टोटल आप देखेंगे 11 वर्ण। अयोगवाह हम ऐसे वर्ण को कहते हैं जो न स्वर की श्रेणी में आते हैं न व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। जैसे अंग और आहा, अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और जो आहा होता है उसको हम लोग विसर्ग की श्रेणी में रखते हैं। कंठ की बात करें तो का खा गा घा इया ये आपके कंठ में आ जाते हैं। तालव्य में चा छा जा झा आड़ा। अब देखिए इसको हम याद करने के एक आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि KTM कंठ तालम मूर्धन दंत ओष्ठ KTMDTO, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना, दो चीज़ याद रखनी है। पहले का चा टा ता पा ये, और प्लस जो यहाँ पर मैंने आपको बताया KTM 2, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे का वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा और पा वर्ग आ जाएगा। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या रा ला वा को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जबकि ला को लुंठित व्यंजन, सॉरी ला को पार्श्विक व्यंजन और रा को हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए ऊष्म संघर्षी, जब आप बोलेंगे इनको तो आप पे कहीं ना कहीं जो ऊष्मा है या ऊर्जा है वो निकलेंगी। शा 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 सा, ठीक है। इसको तालव्य बोलते हैं, इसको मूर्धन्य बोलते हैं और इसको दंती शा बोलते हैं। इसी के अतिरिक्त कुछ आपके संयुक्त व्यंजन हो छा त्रंग या और श्रा, ठीक है। श्रा को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ड्युगुण डिया और ढ्या, आप देखेंगे डिया और ढ्या इनका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादातर जो शब्द होते हैं उस शब्द के अंत में आते हैं। हालांकि एक दो कुछ अपवाद हैं लेकिन ज़्यादातर ये शब्दों के बीच में आते हैं, शुरुआत इन शब्दों से या इन व्यंजनों से नहीं होती है। तो कुल मिलाकर आपने देखेंगे टोटल 52 हो जाएंगे और ये ऐड करके ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए वर्णमाला भाषा के नियमों के संज्ञा को व्याकरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है चाहे हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें या हिंदी ग्रामर की बात करें तो इसमें क्या होता है, भाषा के नियमों के संग्रह को हम लोग व्याकरण कहते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, आप आराम से समझ जाएंगे। अगर आपको समझना है तो इसकी विधिवत क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए वर्ण क्रम विकास, अब देखिए ध्वनि, ध्वनि को हम जब लिपिबद्ध कर देते हैं तो ध्वनि को जब लिपि के माध्यम से लिखते हैं तो वर्ण, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाषा की लघुतम मौखिक इकाई ध्वनि है, ठीक है। अब इसी को जो हम लोग लिख देते हैं तो इसके क्या बन जाता है,
तो वर्ण बन जाता है, तो भाषा की लघुतम लिखी इकाई वर्ण है। आगे हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये भी आपके वर्ण है, ठीक है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई, ये भी आपके वर्ण ही शब्द होगा। अब देखिए सार्थक क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने का लिखा, मा लिखा और ला लिखा, तो ये आपका क्या हो गया, कमल हो गया। अब ये लघुतम सार्थक इकाई है क्योंकि कमल का अपना एक अर्थ होता है, तो इसीलिए शब्द हो जाएगा। भाषा की लघुतम व्याकरणिक इकाई पद है। भाषा की लघुतम सार्थक व्याकरणिक इकाई ये आपके क्या होगा, क्या कहते हैं, वाक्य होगा। अब वर्ण के प्रकार, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो आपके कितने 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। संख्या कितनी हो वर्णमाला में शब्दों की संख्या, संख्या ये आपके 52 होगी। मूल संख्या कितनी होती है, 44। अब देखिए ये जितने भी आप छोटा आ से ज्ञा तक पढ़ते हैं, इसको हम लोगों ने कुछ क्रम में बांट दिया है, और इन्हीं क्रम के आधार पर हम लोग स्वर के जो भेद हैं उन स्वर के भेदों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका जो होगा वो होगा भाषा काल कालमान के आधार पे, दूसरा तीसरा होगा प्रयत्न के आधार पर, और जो चौथा होगा वो उच्चारण के उच्चारण स्थान के आधार पर। तो यही वही चीज़ देखिए फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने जो आपके जो स्वर हैं उन स्वरों को भी शामिल कर लिया। देखिए का के टी एम दो का चा टा ता पा, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। के टी एम दो और का चा टा ता पा, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए इसमें एक कंठ आ आ आ हा, अगर ये आप बोलेंगे तो देखेंगे आ आ आ हा, तो ये भी क्या होगा आपके, ये कहाँ से निकलते, कंठ से, ई ई या शा, ये कहाँ से निकलेंगे, तालव से। तो इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर इसका आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो इसको ये आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये दंत शा है, शा, ठीक है, ये ऊ ओ ए ऐ ओ औ आ वा, दंतमूल रा और ला। अब देखिए कुछ संयुक्त अक्षर हैं, उसमें का और श्या, ता और अत्रा तो आप बोलते निकल जाएगा श्या, ठीक है, का और श्या, जिया औस्त्रा। अब देखिए मात्रा, स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग मात्रा कहते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग मात्रा कहते हैं, और इनकी संख्या 11 होती है। 11 इसलिए होती है क्योंकि जो स्वर होते हैं वो आपके इनकी संख्या 10, स्वर 11 होती है, लेकिन जो आ होता है वो आ वर्ण की मात्रा 10 के रूप में नहीं रहती, मात्राएँ केवल स्वर वर्णों की होती हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, आ उदासीन वर्ण, शहीद वर्ण, कोमल वर्ण, इसकी मात्रा लघु होगा, सॉरी, तो इसमें जो लघु होगा उसको लघु को हम लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा ऐसे लिखते हैं, दीर्घ जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अनुस्वार की बात करें तो अम अम आहा, ठीक है, अनुसार क्या होता है, इसको हम लोग ना तो स्वर की श्रेणी में रखते हैं ना तो व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। यहीं पर लिखा गया व्यंजन वर्णों के साथ बिना कुछ जुड़े वहन होने वाले वर्णों को हम लोग अयोग व्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चार तरीके जो बताए हैं, पहले उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लेते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो मूल स्वर आ ई ऊ उ री, तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे आ ई उ री, संधि, ठीक है, ये इतना जरूरत नहीं है। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं बड़ा आ बड़ी ई उ और री, संयुक्त स्वर की बात करते हैं ए ऐ ओ औ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनका जो प्रमुख उपयोग है वो आपके जो संधियां होती हैं संधियों में देखने को मिलता है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद, अब देखिए पहले हमने क्या बताया था, यहाँ पर आप देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा काल के आधार पर, ठीक है, हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है, उनको भी देखेंगे। स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, मात्रा केवल स्वर वर्णों की होती है, आगे भी हम लोग देख चुके हैं। स्वरों की संख्या 11
और मात्रा की संख्या 10। आ वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए निपात जिस वर्ण पर अधिक बल है, जैसे ही, इतना इतना भर, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये क्या होते हैं, निपात होते हैं। निपात के भी जो विस्तृत कक्षाएँ हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो 9044861926 पर आप मैसेज कर इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो टोटल स्वर हमने बताए थे 11, उन 11 में आपके ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। इस दीर्घ में भी आपके क्या होते हैं, कुछ संयुक्त स्वर हो जाते हैं, जैसे आ ई ऊ री, ठीक है, ये आपका मूल स्वर या लघु स्वर हो गया। आगे इसके बारे में लिखा गया है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक काल का समय लगता है, इसमें उससे दुगुना लगता है। और प्लुत वाला जो, इसमें लगभग जो ये इस इन वर्णों या अक्षरों को बोलने में जो शब्द समय लगता है उसका 3 गुना इसमें लगता है। अब देखिए अघोष और सघोष के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ अघोष और सघोष के बारे में। देखिए अघोष 1 और 1, ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों में क्या होता है, अब इसमें अल्प प्राण में 1, 3, 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको बोलने में कम समय लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये हो गया अघोष में 1, 2, ठीक है, आ आ है दोनों में, तो 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, ठीक है। अब बचा क्या, सघोष 3, 4, 5 हो जाएगा और महाप्राण आपका 2, 4 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे कि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब देखिए प्रयत्न क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी है। तो अब इस देखिए इन्होंने ट्रिक बना ली है, जैसे मुजीओ, तो मुखाकृति के आधार पर, जोव्याकृति के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। अगर हम लोग बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर, तो आप मुखाकृति के आधार पर देखेंगे शमवृत्त, ठीक है, शमवृत्त ई ई ऊ ऊ, अर्धशमवृत्त ए ओ, अर्धविवृत्त आ ए औ, और विवित्र में, विवित्र में आ। देखिए ये थोड़ा सा जो आपका पोर्शन है ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप लोग कायदे से देख लेंगे। ये पूरी वीडियो आपको 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट होके मिल जाएंगी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस तरीके की जो वीडियोस हैं आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जिह्वा आकृति के आधार पर, अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर और फिर मध्यस्वर और पश्चस्वर की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो इसमें ये आपका अग्रस्वर ई ई ए ऐ, मध्यस्वर आ, पश्चस्वर आ ऊ ऊ ओ औ, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, वृत्ताकार, वृत्तमुखी, वर्तुल, ठीक है। अब देखिए वाय प्रयत्न के आधार पर, इसमें आपको देखिए जो मेनली दिखाया गया है वो आपके नाद में है, सघोष अघोष 10 स्वर, अल्पप्राण 10 स्वर। देखिए ये चीज़ें आपको आगे बताई चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होता है उन स्वरों के भेद, जैसे कंठ में आ आ, तो वहाँ पर हम लोगों ने व्यंजन के बारे में देखा था, यहाँ पर जो है वो स्वर है। तो स्वर में आप देखेंगे कंठ आ आ, तालु में ई ई, मूर्धा में री, ठीक है, दंत इसमें नहीं होता, ओष्ठ में ऊ ऊ, कंठ तालु ए ऐ, कंठोष्ठ में ओ और औ। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हम व्यंजन के बारे में भी ऊपर देख चुके हैं संयुक्त तरीके से, सूक्ष्म तरीके से, यहाँ पर हम लोग विस्तृत तरीके से देखेंगे। देखिए भेद प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा 4 होते हैं, ठीक है, ऊष्म शा 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 हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार री वर्ण ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, स्वर वर्णों की संख्या 10 माना है, ठीक है। देखिए
जैसे हर चीज़ में कहीं ना कहीं मतभेद क्या होता है, एक से ज़्यादा धारणाएं होती हैं। ठीक इसी तरीके से जो भोलानाथ तिवारी हैं, उन्होंने जो स्वर है उस स्वरों में जो री है उसको स्वर में नहीं रखा है, न व्यंजन में रखा है। आगे हम लोग बात करते हैं अयोग वाह। ठीक है, अब देखिए अयोग वाह में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आ मतलब बिना, योग मतलब जुड़े, वाह मतलब बयान करना। अयोग न स्वर है और न व्यंजन, किशोरीदास वाजपेयी ने बताया है। अब देखिए कुछ आपके अमानक वर्ण होते हैं, उन अमानक वर्णों के बारे में हम लोग में भी देख लेते हैं। तो आ ठीक है, झा भा ता, देखिए ये सब थोड़ा सा ऐसे वर्ण होते हैं जो कहीं ना कहीं मिश्रित, इनका जो स्वरूप होता है वो मिश्रित स्वरूप होता है। अल्परेखीय वर्ण, मध्य रेखीय वर्ण, का फा खा गा और घा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखा गया है हम केवल उसी पर चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको डीप चाहिए तो आपको हमारे जो चैनल है उस चैनल पे ही, जो उसका प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, या रा ला वा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, या रा लावा को हम लोग अर्थ स्वर कहते हैं। अब देखिए ला और रा, अब जो ला है वो लुंठित लुंठित व्यंजन आता है और जो ला है वो पार्श्विक। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका भी आप देख सकते हैं, वो तरीका ये है। देखिए ये अगर आप ऐसे कहेंगे तो ला बनेगा लगभग, तो पार्श्विक में क्या होता है, पार्श्विक आपका लुंठित व्यंजन है और जो रा है, सॉरी ला है वो आपका, ला है पार्श्विक व्यंजन है और जो रा है वो आपका लुंठित व्यंजन है। ठीक है, अर्धस्वर से कौवा कावा। ठीक है, कहीं ऐसे लिए आप देखते दिखते होंगे तो कहीं कहीं कौवा और कौवा। ठीक है, इसी तरीके से जब पूर्ण स्वर और अर्धस्वर प्रयोग की बात आए तो पूर्ण स्वर ही प्रयोग होगा। ठीक है, जो प्रिफरेंस है वो पूर्ण स्वर की दिया जाएगा। जैसे कौवा लिखा तो कौआ तो ज़्यादा सही होगा, वो आपका कौवा ही होगा। लिप साम्यता दोष के कारण उच्चारण में अंतर नहीं होता है। उष्म वर्ण या संघर्षी वर्ण, ठीक है, तो देखिए ताला विशा, जब इसको शा से बोलते हैं तो आप बोल के श्या श्या श्या, ठीक है, श्या 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 दंत श्या 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 हा। ठीक है, देखिए हमसे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आगे हम लोग बताते हैं संयुक्ताक्षर का वर्गीकरण, कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से वर्गीकरण बताते, पूछ लेते हैं का के बाद किसका क्रम आएगा, तो ये श्रा, और ये श्रा कौन सा होता है, ये आपका श्रा जो होता है वो आपके मूर्धन्य श्रा होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, छा छा को अगर हमको लिखना होगा तो छा को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, छा को का और श्रा, त्रा को ता और रा, ज्या को ज्ञा को ज्या ज्या और या, श्रा को शा और रा, इस प्रकार से हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं शब्द। अब देखिए जो वर्ण होते हैं यही मिलके अब क्या बनाते हैं, ये आपके वर्ण या अक्षर मिलके क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब क्या शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होंगे जिनका आपका जो होता है एक प्रॉपर अर्थ होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। वे शब्द जिनके साथ अनेक अर्थ जुड़े होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना पानी। निरर्थक जिन शब्दों के साथ उनका अर्थ नहीं जुड़ा होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय वाय, दाना वाना, पानी वानी। ठीक है, इनको हम लोग क्या करते हैं, निरर्थक। निरर्थक शब्द होते हैं जो उनकी शुरुआत होती है वो वा शब्दों से होती है। सार्थक शब्दों से निरर्थक शब्द बनाने के लिए सार्थक शब्द में पहले वर्ड के स्थान पर वा शब्द का प्रयोग करते, पानी वानी, परमात्मा वर्वात्मा, चाय वाय। ठीक है, तो देखिए आप सार्थक और निरर्थक को आप कुछ इसी तरीके समझ सकते हैं कि अगर सार्थक शब्दों की हम लोग बात करें तो जिनके अर्थ
होते हैं और अर्थ होते हैं उनको हम लोग सार्थक कहते हैं, और जिनके अर्थ नहीं होते उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर, यानी शब्द के कितने प्रकार के भेद होते हैं। जिस प्रकार हमने लोगों वर्ण को देखा था, वर्ण में हम लोगों ने भेद को देखा था, ठीक इसी प्रकार से हम लोग शब्द को देखेंगे और जो शब्द के भेद होते हैं उन शब्द के भेदों को हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक डटे हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को आप लोग थोड़ा अपने इष्ट मित्रों में सहयोग कर दीजिए, क्योंकि जब आप इष्ट मित्रों में सहयोग करते हैं, भेजते हैं, तो इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तब देखिए सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर अभी हम लोग बात करते हैं तो इसमें थोड़ा आपको असमानताएँ देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए SCERT होता है और NCERT होता है, ये केंद्र लेवल की एक शैक्षणिक संस्था होती है, और ये क्या होता है, ये स्टेट लेवल की। तो इसमें 4 बताया गया है और इसमें आपके 5 बताया गया है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने संकर अर्ध तत्सम शब्द हैं इसको भी मान लिया है। लेकिन अगर मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं, तत् मतलब उनके और सम मतलब स्वरूप, ये ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू ऐसे हिंदी में आ गए हैं। और तद्भव का तद् मतलब उनके और भव मतलब उत्पन्न, यानी उनसे उत्पन्न जो संस्कृत शब्द से उत्पन्न होते हैं उनको तद्भव रखते हैं। इसी प्रकार जो देशज होते हैं और विदेशज होते हैं। अब रचना के आधार पर देखेंगे तो रचना के आधार पर आपके भी 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब देखिए ये हो गया रचना के आधार पर। सबसे पहले आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार, रचना मतलब उनकी रचना कैसे हुई, रूढ़ है, यौगिक है कि योग रूढ़ है। अब रूप के आधार पर शब्द क्या होते हैं, तो शब्द अब देखिए रूप के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। उसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब देखिए इसको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। 2 भागों में डिवाइड करने का मेन रीजन ये है कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने इनको 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड किया, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिस पे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा लिंग वचन कारक का प्रभाव, जिस पे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। जिस पे लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, चीजें यहां तक समझ में आ गए। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में देखिए इसमें क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोचक और अन्य पद निपाद। अब आगे हम लोग बहुत देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची या विलोम। तो सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। शब्द को हम लोगों ने 4 भागों में डिवीजन किया। पहले तो क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, देशज, विदेशज, ठीक है, तद्भव, तत्सम। उसके बाद रचना के योग रूढ़, ठीक है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। उसके बाद में हमने क्या बताया, रूप के आधार पर, तो आप लोग देखिए विकारी, अविकारी, और अर्थ के आधार पर हम लोग देखेंगे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अब देखिए अन्य भेद भी हैं। देखिए हिंदी अगर कोई भी ऐसा शब्द आप देखेंगे जो कि अपने आप में व्याकरण को निहित करता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती। लेकिन होता क्या, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि आपके पास एक स्टैंडर्ड, क्योंकि होता क्या कि कुछ आयोग किसी बुक को फॉलो करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड या मानक स्वरूप है उस मानक स्वरूप को आपके सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो अन्य भेद की बात करें, शक्ति के आधार पर अविधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक, शब्द निर्माण की इकाई के बाद संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,
शब्द विकार क्या था, लिंग वचन कारक पुरुष काल, ये सब क्या है शब्द के अन्य भेद। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हालांकि वैसे मैंने आपको चीज आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे। तो तत्सम मतलब तद, सम मतलब उनके समान, ऋण संयुक्त तत्सम, संस्कृत शब्दों को हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य डांडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में किया। देखिए टिक, ऋण संयुक्त, अब देखिए कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग भी हम देखेंगे, तो जिसमें आपका देखिए सबसे पहले जो भी संयुक्त अक्षर, ठीक है, संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या होता है, ये कहीं पर भी आपको शब्द में देखने को मिले तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर वो आपके तत्सम शब्द होंगे। इसी प्रकार ऋण, ऋतु, ऋचा, ऋषि, ग्रह, पितृ, धृत, प्रण, ऋण, श्रवण, लवण, दर्पण, समर्पण, अर्पण, रावण, इसी प्रकार से कहीं पर भी आपको देखिए। अब देखिए यहाँ पर तरीका बताया गया है, आप देखेंगे थोड़ा सा सॉरी, ये आपका अनुसार छत्रंग्या, स्त्रा और विसर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोगों ने किस प्रकार से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अंश, दंत, मंत्र, तंत्र, आंत। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप क्या देखेंगे, क्षार, क्षीर, पक्ष, रक्षक, क्षमा। आगे आप लोग बात करेंगे तो देखेंगे पुत्र, मित्र, ज्ञान, कुत्र। आगे अगर हम लोग और देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, श्रम, श्रमिक, श्रवण, श्रावण, श्रृंगार। इसी प्रकार विसर्ग में प्रातः, निःशुल्क, दुख, तुषासन। तो ये सब एक आपको ट्रिक बताया गया है, हालांकि आप जितना भी इसका प्रयोग करेंगे या जितना भी आप इन सबको यूज करेंगे, उन यूज के आधार पर ही आपको पता लग जाएगा कि ये आपके तत्सम है, तद्भव हैं, किस श्रेणी में आपके आते हैं। तद्भव मतलब तत् मतलब उनके, और भव मतलब समान, यानी उनके समान, यानी संस्कृत भाषा से उत्पन्न जो होते हैं। संस्कृत शब्दों के विकृत रूप को ही आपके तद्भव कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, अवरद हिंदी में पहुँचे हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के सभी शब्दों का तद्भव रूप नहीं होता, किंतु सभी तद्भव शब्दों का तत्सम रूप होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि सभी तत्सम का शब्द तद्भव नहीं होगा, लेकिन जो सभी तद्भव होंगे उनका तत्सम आपके जरूर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तद्भव शब्दों का उच्चारण लेखन बहुत ही सरल होता है। तद्भव शब्दों को लोक व्यवहार में सर्वाधिक प्रचलन, जैसे कंघी, नमक, आम, करेला, कटहल। अब जो ये सब है आपके, वो आप देखेंगे ये सब क्या है, ये तद्भव है। और ये तत्सम की अगर हम लोग बात करेंगे, तत्सम में आप देखें कंकटी, लवण, आम्र, कारवेल, कटफल। इसी प्रकार से अंगोछा, चबूतरा, अंगोछा रस, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अछोट, ठीक है, सॉरी कुछ गलत, अखरोट, चबूतरा, अंगोछा, यहाँ अछोट, चत्वार, अंग, प्रोछा और ये आसव हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बनाने के नियम, देखिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। तद्भव से तत्सम बनाने के नियम, छा और था सॉरी खा, त्रा होता है, ता होता है, जा से जा बनता है, वा का बा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से आप पहचान भी सकते हैं, जो जब कहीं पर भी ज़्यादातर शब्दों में आपको बा देखने को मिले तो समझिए कि वो तद्भव होगा, ठीक है। और सा और श्या का हम लोग दंत सा में, अब देखिए ये जो सा होगा, ठीक है, इसको हम लोग दंत सा बोलते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि दंत, ये दंत हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, ये तालव्य हो गया, तो ये आपके जो तत्सम में देखने को मिलेगा। अब री, या, छा, त्रा, ग्या, स्रा, ड्या, ढ्या, ज्ञा, अब देखिए ये केवल तत्सम शब्दों में, ठीक है, ये, और ये केवल तद्भव से, अच्छी का आख। अब देखिए छा ये आया आपका तत्सम होगा, इछु का ईख, पक्षी का पंछी, पक्ष का पखवारा,
क्षेत्र का खेत, क्षार का खारा, नक्षत्र का नखत, अक्षत्र का आखट, अक्षर का आखर, पुत्र का पूत, पत्र का पाती, मित्र का मीत, आंत का आंत, या देखो या होगा ज़्यादातर जहाँ पर, जैसे यमुना जमुना, तो या जो होगा वो आप देख रहे होंगे ये किस में आएगा, ठीक है। जैसे योग का जोग, अब जोग थोड़ी ना होता, योग होता, ये जितने भी हैं वो आपके आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तत्सम में, और ये आपके तद्भव में, ठीक है। इसी प्रकार वानर का बंदर, वर यात्रा का बारात। अब देखें वर यात्रा क्या तत्सम है, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, वर यात्रा आपके तत्सम है। वर बर, यहाँ पर बर होगा बा होगा, बधू का बहु, वसंत का बसंत, विवाह का ब्याह, ठीक है। ये सब जो लिखे हुए हैं ये आपके क्या है, तद्भव है। आगे हम लोग बात करते हैं कोटि, कपाट, करकट, करपट, कपास, ये सब आपके क्या है, तत्सम है, ये आपके तद्भव है, ठीक है। इसी प्रकार टा, पांच, पंत्र, ये सब आपके तत्सम है। दांत, दंत, चंद्र, चांद, अब देखिए जहां पर भी आपको ये चांद वाली बिंदी आपको देखने को मिलती है, देखिए हम लोग चांद वाली बिंदी ही बोलते हैं, आप ये ना बात करिएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हिंदी, ऐसे ऐसे शब्द क्यों बोल रहा हूँ, जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं वही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से ये सब आपके क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देश में जन्मे हुए शब्दों को हम लोग देशज कहते हैं। इन शब्दों का जन्म गांव कस्बों में, इनका तत्सम रूप नहीं होता। अब देखिए जो इनका स्रोत है उनके स्रोत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देखने को मिल सकती है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जहाँ से भी आपके मिलते हैं या जहाँ पर भी पाए जाते हैं उसी क्षेत्र या उसी एरिया को एडॉप्ट कर लेते हैं, इनका कोई एक सेट फार्मूला नहीं। जैसे अगर भारत के संदर्भ में रहते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप प्रतिदिन की कार्यशैली या दिन प्रतिदिन में आप प्रयोग करते हैं, तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये देशज शब्द हैं। इन शब्दों का जन्म गांव कस्बों में होता, इनका तत्सम रूप नहीं होता। देशज शब्दों को जॉन वीक्स ने अनार्य स्रोत कहा है। देशज शब्दों को हेमचंद्र ने देशी शब्द कहा। इसका सामान्य बोलचाल की भाषा में सर्वाधिक प्रचलन है। चलिए कुछ देशज शब्दों के बारे में देख लेते हैं। अगर इतने शब्दों के बारे में आप लोगों ने देख लिया तो आपके जो अधिकांश क्वेश्चन है वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें लोटा, डोरी, डंडा, खिड़की, खिचड़ी, फुनगी, तेंदुआ, धड़ाम, दारू, चाट, धरिया, डोंगा, ठेस, पिल्ला, भंटा, चिड़िया, बुलबुल, जूता, चप्पल, धड़ाधड़, खटाखट, भनाभन, धनाधन, टई टई, भो भो, ये सब क्या होगा, आपके देशज शब्द होंगे। विदेशज शब्दों की हम लोग बात करें तो वी प्लस देश, देशज यानी दूसरे देश में जो जन्मे शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। अब देखिए इनको पहचानने का तरीका होता है, अब इनको पहचानने का क्या तरीका होता है उसको भी देख लेते हैं। दूसरे देश में जन्मे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका जन्म हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से हुआ है। विदेशज को ही आगत शब्द कहते हैं। आगत को मेहमान शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द, दूसरी भाषा का अभिप्राय अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, अंग्रेजी से है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द, उदाहरण डॉक्टर, कंपनी, आर्डर, क्रिकेट, कैप्टन, हॉस्पिटल, अस्पताल, ऑफिस, ऑपरेशन और लालटेन। देखिए आप इन सब शब्दों को जब बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार के शब्द हैं।
चलिए आगे देखते हैं। चीनी भाषा के शब्द चाय, चीनी, चाकू, लीची। पुर्तगाली भाषा के शब्द गाली, स्त्री, चाभी, काजू, आलपिन, करलन, अनानास, इस्पात, अलमारी, बोतल, बाल्टी, गमला, अलमारी, तौलिया, संतरा, गोभी, कमरा, मिस्त्री, कमीज, गोदाम और नीलाम। फिर से एक बार देख लेंगे, गाली, स्त्री, चाभी, काजू, आलपीन, कर्नल, अनानास, इस्पात, अलमारी, बोतल, बाल्टी, गमला, अलमारी, तौलिया, संतरा, गोभी, कमरा, मिस्त्री, कमीज, गोदाम और नीलाम। अरबी भाषा के शब्द अखबार, अक्ल, ईमान, तरक्की, नकल, लिफाफा, अजीब, अमीर, कसूर, तबादला, दुकान, हलवाई, इज्जत, अल्लाह, कर्ज, दिमाग, मुहावरा, शराब, अदालत, आदत, कुर्सी, नशा, मुकदमा, औरत, किताब, इनाम, जुलूस, नहर, मौसम और तुर्की भाषा के शब्द उर्दू, मुगल, कैची, काबू, कुली, कुर्ता, खंजर, गलीचा, गनीमत, चेचक, चकमक, चम्मच, तमंचा, तमाश, तोप, बहादुर, बारूद, बावर्ची, बेगम, लाश, सौगात, सुराख और तमगा। फारसी भाषा के शब्द हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। नास, प्रताप नारायण मिश्र ने भाषण में प्रयोग भारतीय। चरखा, हजार, जलेबी, बुखार, बेराम, चश्मा, तनखा, बर्फी, बर्फी, आवारा, तमाशा, आईना, चाशनी, बीमार, बेहुदा, खामोश, गुलाब, किशमिश, सरकार, सरदार, दवा। ये सब आपके क्या है, फारसी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए जो संकर शब्द होते हैं, वो संकर शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। दो अलग अलग भाषा के शब्दों से जो मिलकर शब्द बनते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, ये संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा संकर किस्म के बीज आते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ट्वेल्थ में भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन देखा होगा, जिसको हम लोग संकरण कहते थे। तो इसमें क्या होता है, किसी भी संदर्भ में एक से अधिक तत्वों का जो मिलना होता है वो आपके क्या कहलाता है, संकर। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग भाषा के शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो नया शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे अश्रु गैस, ठीक है, अब अश्रु हो गया संस्कृत और जो गैस हो गया वो आप देखेंगे अंग्रेजी। इसी प्रकार बम, वर्षा, बम क्या हो गया अंग्रेजी और वर्षा क्या हो गया आपका संस्कृत हो गया। वर्ष गांठ, ठीक है, वर्ष हो गया आपका संस्कृत, गांठ हो गया हिंदी। उड़न तस्तरी, उड़न हो गया हिंदी, तस्तरी हो गया आपका फारसी। ऑपरेशन कच्छ, ऑपरेशन हो गया आपका अंग्रेजी और कच्छ हो गया आपका संस्कृत। आगे बात रेलगाड़ी, रेल हो गया अंग्रेजी और गाड़ी जो हो गया आपका वो हिंदी हो गया। लाठी चार्ज, लाठी आपका हिंदी हो गया, चार्ज आपका अंग्रेजी हो गया। अब देखिए अर्थ तत्सम की हम लोग बात करते हैं, वे शब्द जो पूर्ण रूप से ना तो तत्सम में हैं और ना तद्भव में, उनको हम लोग अर्ध तत्सम कहते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और आशा ये रहेगी क्वेश्चन आपके पूछा जाए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें बात करेंगे वे शब्द जो पूर्ण रूप से तत्सम में नहीं हैं और ना ही पूर्ण से तद्भव, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम, अर्ध तत्सम कहते हैं। आगे हम लोग बात करते, देखिए इसमें लिखा हुआ है अर्ध तत्सम शब्दों में तत्सम के गुण अधिक विद्यमान होते हैं, इसलिए इसे अर्ध तत्सम कहते हैं। प्राकृत भाषा के शब्दों को ही अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जैन धर्म साहित्य की भाषा प्रथम व्याकरण व रुचि, प्रथम ये प्राकृत से रिलेटेड है, प्रथम व्याकरण ग्रंथ प्रकृति प्रकाश, संस्कृत भाषा काव्यायन, हिंद्री वर रुचु वर रुचि।
ठीक है। देखिए सब अर्थ तत्सम में, अर्थ तत्सम नवरात्र, अक्षर, चंद्र और अग्नि। तत्सम में होगा नवरात्रि, अक्षर, चंद्र, अग्नि, नवरात्र, आखर, चांद और आग। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। देखिए जो ये पीडीएफ है, आपको पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम है वहाँ पर मिल जाएगी, अथवा आप 9044861926 पे मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया रचना के आधार पर, तो इसमें तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इनको वन वन एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे देखिए अब रूढ़ मतलब क्या होता है। रूढ़ मतलब जैसे आप लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में भी देखा होगा कि आप लोग बहुत रूढ़वादी हैं। रूढ़वादी का मतलब जितने भी पुराने प्रचलित नियम कानून हैं आप उसको फॉलो करते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे इसका अर्थ पुराना, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वे सभी शब्द जिसमें ना कोई उपसर्ग, ना प्रत्यय, ना संधि, ना प्रमास हो, ठीक है, वही जिसके कोई सार्थक नहीं, जैसे सूर्य है। अब क्या रूढ़ शब्द है, अगर इसको हम मान लीजिए अलग अलग करते हैं, क्या कोई हमको एक नया शब्द या कुछ नया अर्थ देखने को मिलेगा? कुछ नहीं, ना इसमें उपसर्ग है, ना प्रत्यय है, ना संधि समास है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गए, रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, सूर्य, चंद्र, दिन, रात, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, लोटा, डोरी, डंडा, चावल, खिचड़ी, खिड़की, दुकान, मकान। और योग रूढ़ में देखेंगे, अब देखिए योग रूढ़ तो बाद में, पहले देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब जैसे अभी हम लोग देखेंगे आगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है पट ता, विद्यालय, विद्यालय विद्या प्लस है, मित्रता, मित्र। अब देखिए ता क्या है, उपसर्ग के प्रत्यय, प्रत्यय है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वे शब्द जिनमें या कोई उपसर्ग हो, या प्रत्यय हो, या संधि हो, या समास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए योग रूढ़, ठीक है, यौगिक प्लस रूढ़, ऐसा शब्द जो दो खंडों को योग से बना हो और विशेष अर्थ का परिचायक भी हो, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए बहुव्रीहि समास के समस्त, देखो बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान है, इसमें क्या होता है, कोई दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं गजानन, तो गजानन का क्या अर्थ होता है, एक अर्थ गणेश भी होता है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, योगरूढ़ की श्रेणी में आ जाएंगे। अब देखिए योगरूढ़ की श्रेणी में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, दशानन, आप लोग जानते होंगे जो दशानन है, दशानन हम लोग किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। इसी प्रकार शूलपाणि, पार्वती नंदन, चंद्रशेखर, महादेव, लंबोदर, गोपाल, दामोदर, श्वेतांबर, पीतांबर, चक्रपाणि, कामायनी, रेवती रमण, वीड़ापाणि, तो ये सब चीज़ होती है। अब देखिए जो भी हमने शब्दों के भेद पढ़ा था उसमें एक और देख लेते हैं, रूप विकार परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। अब विकारी जिसमें परिवर्तन होता है, अब इसमें देखिए क्या होंगे कि संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, विशेषण होंगे और क्रिया होंगे। अब देखिए इसमें लिखा भी है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा पांच प्रकार की होती है। इसी प्रकार से सर्वनाम, सर्वनाम आपके छह प्रकार के, विशेषण चार या पांच प्रकार के, जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की। इसी प्रकार अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्म्यादि बोधक, अन्य भेद जिसे निपात, निपात में बताया था जिसमें हम लोग जोर देते हैं तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शब्द परिवर्तन की इकाई पा, ठीक है, इसमें आपका लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष होता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो हमने आपको बताया था कि जो शब्द होते हैं शब्दों के भेद के बारे में, देखिए ये यहाँ से और ऊपर जाएंगे ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी पूरी कंप्लीट होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग थोड़ा सा हिंदी का जो व्याकरण सेक्शन है उस व्याकरण के सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो छंद है उस छंद को देखेंगे,
कि छंद में क्या होता, हालांकि देखिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो आपका छंद वाला सेक्शन दिया हुआ है, ये आपकी लेखपाल की जो परीक्षा है उसके लिए उपयोगी नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए छंद के प्रकार, मात्रिक छंद, वारणिक छंद, मुक्तक छंद, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको बताना इतना ज़रूरी नहीं है। इससे जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत कम पूछे जाते हैं। जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ, जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उन्हीं को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए संज्ञा, अब संज्ञा के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हिंदी का व्याकरण सेक्शन होता है या जो भी हम व्याकरण पढ़ते हैं उसकी ABCD के रूप में जान सकते हैं इसको। हालांकि ABCD हम हिंदी वर्णमाला को कहते हैं, लेकिन चीज़ें यहाँ से भी पूछी जाएंगी। देखिए संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सम्यक ज्ञान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये तो हम में से हर व्यक्ति जो भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा उसके मुख पर रटा रहता है, तो ये परिभाषाओं की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बस देखिए कभी कभी संज्ञा जो पूछनों को दे दिया जाता है, उस संज्ञा के बारे में कौन सा व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, ये सब चीज़ें। तो संज्ञा जान गए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको हमारे प्ले जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। आगे देखते हैं जो संज्ञा का सर्वनाम, सॉरी संज्ञा का जो प्रतिनिधि होता है सर्वनाम होता है। क्यों संज्ञा का प्रतिनिधि होता है? क्योंकि आपने देखा होगा जो संज्ञा है उस संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, जो भी शब्द का प्रयोग हम लोग कहते हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधि, ठीक है। अब इसमें प्रतिनिधि लिखा है, उसे प्रतिनिधि इस तरह लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि। दुनिया के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं, जाहिर सी बात, राम, मोहन, सोहन, लंदन, अमेरिका, ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं सब क्या होता है, संज्ञा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। संज्ञा का वास्तविक अर्थ नाम है। संज्ञा में लिंग, वचन तथा कारक संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। आगे फिर देखिए चीज़ें थोड़ा सा रिपीट कर दी गई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा शब्द के आधार निम्नलिखित हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम शब्द, रचना के आधार पर यौगिक शब्द, रूप के आधार पर विकारी शब्द, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द। संज्ञा के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो संज्ञा मूल रूप से दो, मुख्य रूप से तीन और हिंदी में, ठीक है, पाँच। देखिए जो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हिंदी में संज्ञा पांच प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। वास्तविक संज्ञा, वे संज्ञा जिसे सुनने मात्र से ही हमारे मानस पटल पर एक चित्र अंकित हो जाता है, उन्हें वास्तविक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने जो भेद लिख रखा है, इन्होंने भेद को थोड़ा ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया है। देखिए यहाँ पर वास्तविक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जबकि हम लोग हिंदी में जो हमारा सिलेबस या जो आपकी स्टैंडर्ड बुकें आती हैं उसमें इतने प्रकार से बताया गया है, जो टोटल पाँच प्रकार की हैं। एक एक चीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा जातिवाचक और ये आपका जो समूहवाचक होता है इसमें लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। हमने देखा वास्तविक संज्ञाएं जिनको हम जैसे कोई भी किसी भी शब्द को आपने अपने मुख से लिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपको उसकी एक वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा, और या कहीं ना कहीं उससे संबंधित हमारे जो दिमाग हैं, दिमाग में चीज़ें चलने लगेंगी, उसी को हम लोग वास्तविक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, कुर्सी, मेज, ठीक है, आपने हाथी का नाम लिया, ठीक है, एक कहीं ना कहीं दिमाग में इमेज बन गई। इसी प्रकार घोड़ा, कुर्सी, मेज़ वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। अवास्तविक संज्ञा, जिस संज्ञा को सुनने से हमारे मानस पटल पर कोई चित्र प्रस्तुत ना हो, ठीक है, जैसे उसको हम लोग अमूर्त, काल्पनिक, भाववाचक कहते हैं। क्रोध, लोभ, मोह। अब देखिए क्रोध क्या है, क्रोध कहीं आपको दिखाई थोड़ी ना पड़ता कि क्रोध का किस प्रकार से स्वरूप होता है, ठीक है। आप प्रसन्न हैं तो प्रसन्न क्या होती है, आप उस एक एक्सप्रेशन के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है, आपकी मुस्कुराहट चीज़ों को बता सकती है, लेकिन प्रसन्न
का कोई एक स्वरूप थोड़ी नहीं है कि उसके दो हाथ हैं, चार पैर हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या होंगी, अवास्तविक संज्ञा होगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो टोटल पांच संज्ञाएं दी गई हैं, उस पांच संज्ञाओं ने, संज्ञाओं को इन्होंने कुछ भागों में बांट रखा है। उसमें पहला आपका क्या हो जाएगी, वास्तविक संज्ञा, दूसरा जो होगा आपका वो अवास्तविक संज्ञा होगी। अब वास्तविक संज्ञा में हम लोग देखेंगे, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, ये चार प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं वो आपके वास्तविक संज्ञा में आती हैं। अवास्तविक में भाववाचक। आगे हम लोग देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान विशेष का उल्लेख हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने थोड़ा सा पहचानने के जो तरीके, उस तरीकों को और स्पेसिफाइड कर दिया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, अव्ययी भाव कर्मधारय और इकलौती दृश्य एक वचन में पहचान करने वाले कराने पर होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ होती हैं, जैसे भारत, रमेश, सुरेश, गंगा, सूर्य, चंद्रमा। इन शब्दों के आगे यदि संख्या लगा दी जाए तो अव्ययी भाव होगा द्विगुणी। ठीक है, ये तो इन्होंने तरीका बताया। आगे देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में होती है। जाहिर सी बात है, तो व्यक्ति का नाम लेंगे, राम रामे थोड़ी ना होगा, सीता सीते थोड़ी ना होगा होता, किंतु यदि किसी स्थिति में बहुवचन हो गया तो वे जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अब जात में क्या होता है, जात से क्या होता है कि एक जो समूह होता है उस समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं, श्रवण कुमार, जयचंद, रावण और सीता सावित्री। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर संज्ञा पूछा जाए तो जयचंद्र क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कि मालूम है कि जयचंद्र को भारत के संदर्भ में हम लोग गद्दार की श्रेणी में रखते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की जात का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पहचान, दृश्य बहुवचन की संज्ञा से, सॉरी, दृश्य बहुवचन की संज्ञा वे एक वचन की संज्ञा जिनका बहुवचन रूप नहीं होता, ये क्या होती है, पूरा जातिवाचक। गुणों के आधार पर इनकी पहचान, जैसे नदी हो गया, अब नदी क्या है, एक पूरे जात का विशेष, जात विशेष का बोध करा दे, उसमें गंगा आ जाएगा, यमुना आ जाएगा, सरस्वती आ जाएगा। ठीक है, पुस्तक हो गया, राजा, रानी, शहर, देश, फल। अब जैसे फल का नाम ले रहे हो, ठीक है, तो फल व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, जातिवाचक में आएगा। क्यों? क्योंकि फल में आपका केला हो सकता है, आम हो सकता है, अंगूर हो सकता है, सेब हो सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, नर और मानव। भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं जिन्हें न छुआ जा सके, न देखा जा सके, अपितु केवल महसूस किया जा सके, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अदृश्य संज्ञा केवल अनुभूत की पहचान, ठीक है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ठीक है, ये सब क्या होगा, बुढ़ापा हो गया, तो ये सब चीज़ें होंगी वो आपके जातिवाचक जो संज्ञा, सॉरी, भाववाचक जो संज्ञा होंगी, उस भाववाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा है, ठीक है, अब देखिए गोस्वामी जी क्या हो गए, गोस्वामी यहाँ पर क्या होंगे, व्यक्तिवाचक। अब आगे देखते हैं, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, यहाँ पे गांधी जी क्या होंगे, आपके व्यक्तिवाचक श्रेणी में आएंगे। शुक्ल जी का, जी की प्रसिद्ध कृति हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें भी शुक्ल जी व्यक्तिवाचक में। वर्मा जी आधुनिक मीरा के प्रसिद्ध कवि हैं, इसमें भी आपका व्यक्तिवाचक। तो ये थी टोटल में जो भी संज्ञाएँ होती हैं, संज्ञाओं के प्रकार। आगे हम लोग बात करते हैं, सर्वनाम की बात करते हैं। तो आप सर्वनाम में देखेंगे, सर्वनाम को, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अब संज्ञा के प्रतिनिधि के रूप में क्यों काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वनाम को हम लोग संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं। अब कैसे, हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जो पिछला पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है, उस पिछले पेपर में भी हम लोगों ने देखा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं,
लेकिन अगर सर्वनाम के प्रकार की हम लोग बात करें तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार से होते हैं, 11 प्रकार के। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को बताया गया है, सर्वनाम ठीक है। अब देखिए ये ऊपर रा लग गया है तो 6 प्रकार के हो गया और यह 11 आपकी संख्या हो जाएगा। अब इसके अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में आप देखेंगे सबका नाम, शब्द विच्छेद सर्वनाम, शाब्दिक अर्थ में सर मतलब सभी और नाम मतलब संज्ञा। देखिए अब इतना क्योंकि आप थोड़ा सा इस संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो या लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई TGT PGD की परीक्षाएं नहीं देने जा रहे हैं कि आपको पूरा एक एक चीज़ उसका अर्थ मालूम हो ठीक है, वगैरह वगैरह। जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है वैसी ही PDF तैयार की गई है, और हम लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग बोर ना हो, और 1 से 1.5 घंटे में हमारा प्रयत्न रहेगा कि इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर दें। तो आगे हम लोग देखते हैं परिभाषा, सभी संज्ञाओं के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रतिनिधि, संज्ञा का प्रतिनिधि। संज्ञा हम लोगों ने देखा, संज्ञा 5 प्रकार की। सर्वनाम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। देखिए इस PDF में व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन महत्वपूर्ण चीज़ों को समाहित किया गया है ठीक है, और जो आपके वोकैब वाले पोर्शन होते हैं, जो शब्द रूप वाले पोर्शन मतलब शब्द वाले पोर्शन होते हैं, संज्ञा हो सॉरी, जिसमें आप लोग का तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया ठीक है, वो सब चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका लेखपाल का सिलेबस, लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सभी हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये प्रकार में बात करेंगे तो देखिए ट्रिक रूप पे हम लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, ट्रिक से अच्छा है कि एक चीज़ों को आप 10 बार पढ़िए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संज्ञा अपने निजी संबंधों के निश्चय व अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है ठीक है। पुरुष, संख्या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य, वह, यह, वह, कोई, कुछ, आप, जो, सो, कौन, क्या, यहाँ पर इन्होंने ट्रिक बताया है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सर्वनाम की तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पाँचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में देखिए अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि पुरुषवाचक में जो आपके 3 कैटेगरी होती हैं उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए थोड़ा सा जो PDF फिर से रिपीट हो गया ये पेज, इसको हम लोग हालांकि स्किप कर देंगे लेकिन अभी हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आपका मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, अन्य पुरुष में यह वह ये वो तो, ये आपका आ जाएगा अन्य पुरुष में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सर्वनाम, अर्थ सबका, सॉरी ये चीज़ तो हो गई है फिर से। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसमें इसके कितने भेद होते हैं तो इसके टोटल 3 भेद होते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जाहिर सी बात है व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग होगा। कहने वाला मैं और हम, उत्तम पुरुष। सुनने वाला तुम आप तू, मध्यम पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीके से लिखा गया है। जो कहने वाला होगा ये आपका उत्तम पुरुष में आएगा, जैसे मैं और हम हो गया। सुनने वाला वो मध्यम पुरुष में आएगा, तुम आप तू। और तीसरा जो है वो आपका अन्य पुरुष होगा, ये सर्वनाम की उस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा जिसके बारे में बात की जाएगी, यह वह ये वो अन्य। जैसे अब देखिए मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है, ये देखिए ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। हम बाहर जा रहे हैं अपने बारे में, ये भी उत्तम पुरुष। तू बाहर जा रहा है, तुम बाहर जा रहे हो, आप बाहर जाए, यह मेरा भाई है, वह मेरा दोस्त है ठीक है। तो ये जो आपको तरीका बताया गया है इस तरीके को देख कर ठीक है, या इस तरीके के बारे में जान चीज़ों को याद करके आप जो सर्वनाम है उस सर्वनाम को अच्छे से याद कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कहने वाला, फिर से एक बार देखेंगे मैं हम, ये आपका आएगा उत्तम पुरुष में। सुनने वाले में तुम आप में मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए वो आपका क्या होता है अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निश्चय, यह मेरा घर है, वह मेरी कार है, अब यह क्या है, ये कहीं ना कहीं एक निश्चय की तरफ बोध करा रहा है। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द यह, वह, ये, वे, तो, आगे हम लोग देखते हैं वह मेरा घर है, यह मेरी कलम है, यह वन मेरा है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी। देखिए यह वन, तो यह आपका सर्वनाम हो गया, ठीक है, वन जो या जो भी लिखा हुआ है वो संज्ञा आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वो, व्यो। आगे देखिए सर्वनाम, यदि सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आए तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखिए ये विशेषण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपके जो आरओ आरओ की परीक्षाएं होती हैं या जो पीसीएस की मेंस की परीक्षाएं होती हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होती है उसमें हिंदी का लेवल आपके जो पीएससी की परीक्षाएं होती है उसके लेवल से कहीं ना कहीं हाई होता है। तो हम लोग देखते हैं यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, चाय में कुछ गिरा, तुम कब आओगे, तो ये सब जो चीज़ें हो गई। अब इसमें देखिए कुछ निश्चितता नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक, जो संबंध का बोध दिखा है, जैसे जो, सो, मेरा, मेरी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा इसको जो विभक्त के है उस विभक्त के माध्यम से स्पेसिफाई किया है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध को सूचित करने वाले शब्दों को संबंधवाचक शब्द सर्वनाम कहते हैं। जो बोएगा सो काटेगा, जो, सो, मेरा, मेरी, आदि। अब देखिए संबंधवाचक जो कारक होता है उसमें जो संबंधवाचक होता है उसके संदर्भ में बात की गई, का, की, के, रा, री, रे, नानी, दे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, निजता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप भला तो जग भला, जब कर्ता आप शब्द का प्रयोग दूसरों को सम्मान देने के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक या मध्यम पुरुष कहते हैं, किंतु जब वही करता आप शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तो उन्हें निजवाचक कहते हैं। देखिए यहाँ बहुत डिटेल में मैंने समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को उसी तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से आपको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, और बाद बाकी जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, वहाँ से चीज़ों को आप देख सकते हैं। माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूँगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप क्या है, मध्यम पुरुष है, अपने आप, ठीक है, ये आपका क्या होगा जो निजवाचक है वो निजवाचक आपका सर्वनाम होगा। अब देखिए आगे अर्थ में हम लोग देखेंगे, अर्थ बाद में लिखा हुआ, यहाँ पर क्रिया देखेंगे। तो देखिए संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तो चलिए अब हम लोग जो क्रिया है उस क्रिया को देख लेते हैं। तो क्रिया, देखिए क्रिया क्या होता है, किसी भी कार्य का जिसमें करना या होना पाया जाता है, और क्रिया में जितना आप देखेंगे जितनी भी क्रियाएं होती हैं पीछे ना लगा होता है, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, तो उसी के बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो अब देखिए जो क्रिया होता है उस क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया तो ना तो हो गया, देखिए जो पढ़ हो गया उसमें पढ़ क्या होगा, उसका धातु रूप हो जाएगा, और जो ना हो जाएगा वो आपका प्रत्यय हो गया है, और इससे जो शब्द बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है अर्थ की अगर बात करें तो करना या होना पाया जाता है,
परिभाषा वह विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है ठीक है उसे हम धातु कहते हैं। अब मूल धातु यौगिक धातु, तो हिंदी भाषा में जिसे क्रिया कहा जाता है उसे संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं। जब संस्कृत के धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का ज्ञान होता है। जैसे पढ़ प्लस ना, ठीक है अभी मैंने आपको बताया जो क्रिया होती है उस क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसको हम लोग धातु कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो ये आपका पढ़ हो गया वो आपका धातु हो गया, और जो ना हो गया उस वो क्या हो गया प्रत्यय हो गया, और जो क्रिया बनी मूल रूप से उसको हम लोग क्या कहते हैं पढ़ना। क्रिया की उत्पत्ति तत्सम शब्द से हुई है, रचना के आधार पर रूढ़ है। क्रिया विकारी शब्द है और क्रिया एकार्थी शब्द है। अभी हम लोगों देखा विकारी शब्द क्या होता है, जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है ठीक है, यानी लिंग वचन कारक जब हम लोग चेंज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग जो शब्द होते हैं वो शब्द भी चेंज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जो एक डायग्राम है उस डायग्राम के थ्रू जो क्रिया है उस क्रिया को विस्तृत तरीके से समझाया गया है ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो मुख्य क्रिया मूल रूप से दो होती है, फिर आगे हम लोग देखेंगे सहायक क्रिया। अब मूल क्रिया की हम देखिए जो मुख्य क्रिया हो गई उसमें आपकी मूल क्रिया फिर यौगिक क्रिया भेद के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। देखिए क्रियाओं के बारे में पहले ही बताया जा चुका, इसमें हम लोग बिल्कुल शॉर्ट वे में चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए कर्म के आधार पे पहला अकर्मक क्रिया हो गया, दूसरा सकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक में भी एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जैसे मोहन पौधा कम लगाता है, मोहन अखबार पढ़ता है। अब देखिए संरचना के आधार पर देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे पहले संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधात क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। प्रयोग व रचना के आधार पर देखेंगे टोटल आठ, इसमें संरचना के आधार पर पाँच और प्रयोग के आधार पर तीन, टोटल आठ प्रकार की जो क्रिया हो जाएंगी। अन्य भेद में देखते हैं क्रियात्मक क्रिया, ध्वनात्मक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। यौगिक क्रिया प्रत्यय सहित क्रियाओं को यौगिक क्रिया कहते हैं, जैसे चलना, चल कर, चलेगा, चलता, तो ये सब जो आपकी क्रियाएं हो जाएंगी इसको हम लोग क्या कहते हैं यौगिक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद अब इसमें देखेंगे अकर्मक क्रिया और दूसरी क्या होती है सकर्मक क्रिया। कुछ नहीं अकर्मक क्रिया की बात कर देखिए, अब इसका जो नाम है उस नाम से स्पष्ट है अकर्मक में क्या हो जाएगा कि कर्म रहे, जिसमें जो कर्म होगा वो नहीं होगा, जिन क्रियाओं के साथ उसका कर्म नहीं जुड़ा होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, उड़ना, तैरना, जीना, मरना, उछलना, कूदना, हंसना, रोना, चिल्लाना, मारना, पीटना, थूकना और नहाना, इन क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं इन क्रियाओं को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है क्रिया का प्रभाव कर्म पे नहीं पड़ता है बल्कि कहाँ पड़ता है कर्ता पर पड़ता है, तो इसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ जिन क्रियाओं के साथ उसके कर्म जुड़े होते हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, कहना, सोना, खाना, पीना, रंगना और इत्यादि। जैसे छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, अब जो इसमें जो क्रिया है क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है ठीक है कर्म में पड़ा रहा है, तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या है जिन क्रियाओं के साथ उसका कर्म नहीं जुड़ा होता है उसे अकर्मक क्रिया करते हैं। अब इसमें क्या होता है जो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म में पड़ता है तो ये क्या होता है कि अकर्मक। गीता कपड़े सुखाती है, अब देखिए कपड़े सुखाती है, सुखाना और कपड़े ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। पहचान कर्म सकर्मक कर्ता अकर्मक, यानी सीधा प्रभाव कर्म में पड़े और कर्ता पे पड़े तो वहाँ पर क्या होगा अकर्मक, कर्म में पड़े तो सकर्मक, कर्ता पे पड़े अकर्मक ठीक है। तो ये हो गया आपका जो सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया के बारे में।
जैसे फिर से हम लोग देखते हैं क्रिया की पहचान करके क्या से प्रश्न कर रहे हैं। दिनेश, अब देखिए कर्म, यहाँ पर कर्म क्या होगा, दिनेश क्या लगाता है, दिनेश पौधे लगाता है। तो अब देखिए लगाना, अब लगाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पौधे पर, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो क्रिया का प्रभाव है कर्म पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब देखिए कर्ता क्या होता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसके हम लोग कर्ता कहते हैं, और क्रिया के प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो इस आधार पर देखेंगे क्या लगाता है, तो पौधे लगाता है। अब जो क्रिया है वो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, और जो कर्म पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगी आपकी, सकर्मक क्रिया। आगे हम लोग बात करते हैं कि नियम नंबर दो, पद परिचय का कर्म, कर्ता कर्म प्लस क्रिया होती है, ये आपकी होती है सकर्मक क्रिया। मोहन पुस्तकालय में पढ़ता है, ठीक है, मोहन पुस्तकालय में पढ़ता है, ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक। अब कैसे देखते हैं, मोहन पुस्तकालय में पढ़ता है, अब पढ़ना, पढ़ता कौन है, पढ़ता कौन है, पढ़ता है मोहन। अब ये आपकी क्रिया हो गई, इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता के, कर्ता पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया होगी, क्रिया का जो प्रभाव होता है वो कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होती है। इसी प्रकार से ये आपका कर्मक हो जाएगी। नियम नंबर तीन, वे सभी क्रियाएं जो प्रकृति के द्वारा या स्वतः होती हैं अकर्मक क्रियाएँ होती हैं, सूर्य चमकता है, तारे टिमटिमाते हैं, हवाएँ चलने लगी। नियम नंबर चार, जिस क्रिया के फल का प्रभाव स्वयं पर पड़े वह अकर्मक, तथा जिस क्रिया के प्रभाव के फल का प्रभाव दूसरे पर पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे थूकना अकर्मक, थुकवाना सकर्मक। इसी प्रकार चलना अकर्मक, चलाना सकर्मक। नियम नंबर पाँच देते हैं, कुछ क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। मेरा सिर खुजलाता है, मैं सिर खुजलाता हूँ। देखिए अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कर्ता और कर्म के बेस पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक, अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नियम नंबर छः, कुछ अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रिया बनाया जाता है। अब कैसे, जैसे अकर्मक उड़ना, ठीक है, उड़ाना ओढ़वाना प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। इसी प्रकार चलना से चलाना या चलवाना, तैरना से तैराना या तैरवाना, सोना से सुलवाना या सुलाना, हंसना से हंसाना हंसवाना, डूबना से डुबाना। संरचना के आधार पर क्रिया, क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होता है, संयुक्त नाम से स्पष्ट है, दो या दो से अधिक क्रियाएं जब एक साथ आए और उनके द्वारा एक ही कार्य होता हुआ प्रतीत हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसमें पहचान देखेंगे, राधा उछलती कूदती घर गई, तो यहाँ पर दो क्रिया, जाने का और पहला कार्य करने का। प्रेरणार्थक क्रिया, अब देखिए वही है, क्रिया दो होंगी लेकिन कार्य एक होगा, जैसे राधा उछलती कूदती घर गई। अब देखिए उछलना कूदना दो क्रिया हो गई लेकिन कार्य यहाँ पर क्या हुआ, एक हो रहा, क्यों, क्योंकि राधा कुल मिला के घर जा रही। प्रेरणार्थक क्रिया वह ऐसी क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं से कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, कर्ता दो क्रिया एक, माँ ने बेटी से भोजन कराया। देखिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रिया दो कार्य, यहाँ पर क्या होगा, कर्ता दो और क्रिया एक, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो कार्य होता है वो स्वयं से ना करवाकर किसी दूसरे से करवाया जाता है। आगे हम लोग बांटते हैं नामधात क्रिया, नाम आपका संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, और फिर विशेषण। देखिए नामधात क्रिया, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण से होता है उसे नामधात क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा बात से बतियाना, लाठी से लटियाना, लात से लतियाना, ये आपका हो गया संज्ञा। सर्वनाम अपना से अपनाना, और गर्म से गर्माना, नर्म से नरमाना, और शर्म से शर्माना, ठीक है।
तो ये आपकी हो गए नाम धातु क्रिया। देखिए जो आपको प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं और जो संयुक्त क्रिया होती हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रियाएं हैं। अब देखिए पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है, पहले के समय में होने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूर्व काल मतलब समय एक, ठीक है, वाला वाली क्रिया, यानी पहले जो समय वाली क्रिया होती हैं वो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको जो उदाहरण है वो हम लोग देखते हैं। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, मैंने पढ़कर परीक्षा पास की, ठीक है, तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा जो शब्द चीज़ें लिखी हुई हैं शब्दशा उसको पढ़ लेते हैं। परिभाषा, पहले के समय में होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहचान, सदैव पूर्ण होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकांशतया कर प्रत्यय लगा होता है। कर करके, मोहन दूध पीकर सो गया, गीता भोजन करके स्कूल जा रही हैं। अब देखिए आगे कृदंत प्रत्यय, मूल क्रिया, ठीक है। अब इसमें जो आपका प्रत्यय होगा ये खा का खाना, पी का पीना, कर का करना, सो का सोना, जा कर जाना, पढ़ कर पाना। लेकिन देखिए अभी पूरा नहीं है, कृदंत में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कृदंत में कर ता एगा जो ये सब प्रत्यय होते हैं ये मिलकर आपके क्या होंगे, जो क्रिया होंगे वो कृदंत क्रिया को बनाएंगे। जैसे खाकर, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, खाकर खाता, खाएगा, पीकर खाता, ये सॉरी इसका खाकर पीकर सोकर, खाता खाता, ठीक है, इसी प्रकार खाएगा खाएगा, करेगा और सोएगा। जब क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय को छोड़कर शेष अन्य प्रत्यय लगे तो इन क्रिया, ऐसे जो क्रियापद हैं इनका निर्माण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन तब भी आप मान के चलिए ये लगभग वीडियो जो आपकी होगी वो सवा घंटे या डेढ़ घंटे के आसपास होगी। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये मान के चलिए कि आप दूसरों से एक दो कदम आगे हैं। यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत डिटेल तरीके से ज़रूर नहीं समझाई गई है, लेकिन चीज़ें इतनी पर्याप्त मात्रा में और इतने अच्छे तरीके से आपके सम्मुख परोसी गई है कि आप अगर इनको अच्छे से विधिवत तरीके से देखेंगे तो आपका जो कल्याण है वो होना सुनिश्चित है। आगे हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया में जब एक कर्ता पद और एक क्रिया पद आए तो सामान्य क्रिया होती है। जैसे राधा गई, राम भागा, मोहन पढ़ा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसी प्रकार से सहायक क्रिया में मुख्य कार्य समय का बोध कराना, पहचान, वाक्य को पूरा करके। वाक्य के अंत में आता है मुख्य क्रिया के समय का बोध होता है। देखिए सहायक क्रिया क्या होती है, समय का बोध कराता है। जैसे हम लोग देखेंगे मोहन खा रहा है, मोहन खाएगा, मोहन खा रहा था। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो क्रिया क्या, खा खाएगा और खा, अब रहा है एगा और रहा था, ये क्या होता है, जो काल है उस काल को कहीं ना कहीं दर्शाता है। लेकिन जो इसमें मुख्य क्रिया है वो आपका यहाँ पर तीनों में खा है। सजातीय क्रिया, जब क्रिया और कर्म एक जैसे दिखाई पड़े तो उसे ही हम लोग सजातीय क्रिया। अर्जुन ने महाभारत में बहुत सी लड़ाई लड़ी, राम ने हनुमान गढ़ी की चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी और चढ़ाई चढ़ी। अब देखिए अन्य भेद देख लेते हैं। अगर हम लोग अन्य भेद में बात करेंगे तो अन्य भेद में आप देखेंगे क्रियार्थक क्रिया, जब कर्ता के स्थान पर क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तो उस क्रिया को क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कर्ता के स्थान पर क्रिया का प्रयोग किया जाए तो उस क्रिया को हम लोग क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्ता कर्म प्लस क्रिया, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मरना देश के लिए गौरव की बात है।
अनुकरणात्मक क्रिया में बात करेंगे, जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सर सर से सरसराना, भिन भिन से भिन गिना भिन बिनाना, टन टन से टन टनाना। विधि क्रिया, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। आप सब अब घर जाओ, तुम वहीं रुक जाओ। अब देखिए तात्कालिक क्रिया हो क्या होता है। तात्कालिक क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया जो अभी अभी तुरंत समाप्त हुई है। यह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन हमें इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता। वह आते ही सो गया, ठीक है। अब देखेंगे वह आते ही सो गया, शेर देखते ही बेहोश हो गया, वह आते ही बच्चों को पीटने लगा। तो कुल मिलाकर ये आपकी हो गई तात्कालिक क्रिया, ठीक है। तो ये जो पूरी पीडीएफ है यहीं पे हम लोग की समाप्त होती है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हुई हैं और वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।